इंदौर में बी फार्मा स्टूडेंट की खुदकुशी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने छात्र के पोस्टमार्टम के बाद पहले सूर्या होटल के समीप सड़क पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा जताया और इसके बाद गुस्साए परिजन एम्बुलेंस में शव रखकर महिला थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए हैं, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहले सूर्या होटल के सामने और फिर महिला थाने के बाहर विलाप करते ये पीड़ित परिजन और रिश्तेदार 19 साल की गौरव हाटा की आत्महत्या मामले में पुलिस के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने गौरव के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने रुपये लेकर बेटे को छोड़ा। इस घटनाक्रम के बाद युवक घर आकर खूब रोया और अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। अब उन्हें न्याय चाहिए। परिजनों की मांग है कि उस जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसकी कार्यशैली की वजह से गौरव डिप्रेशन का शिकार हुआ। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परिजनों से चर्चा करते रहे और अंत में जब अधिकारियों ने कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर परिजन माने और शव को लेकर रवाना हुए। दरअसल इस पूरे मामले में अब पुलिस को लंबी जाँच कराना होगी। किन कारणों के चलते पहले युवती ने शिकायत की, इसके बाद पुलिस की क्या भूमिका रही और किन दबाव के चलते युवक ने जानलेवा कदम उठाया। आपको समय दिया, सही है। अभी लड़की और लड़की वो लड़की का माँ का क्या होगा? अभी वो तो लड़की और लड़की की माँ है ना। अब आपने हमको एक हफ्ते का टाइम दिया है, ये पूरा वीडियो वाले हैं, सब लोगों के सामने है। और एक हफ्ते के बाद में 8 दिन के बाद में मैडम है ना, 8 दिन के बाद में आप पूरी कार्रवाई जो भी है, आप 90 दिन कलम कार्रवाई की, तो हमने कार्रवाई कर दी। और मैडम को कलम जो भी कमना है, चार को कलम उसकी फाइल 90 दिन मेला खाने पे वापस, ये से 4 गुना पब्लिक आई है। अरे भैया हो जाए, यस करो। कोई अभी पूरी बात बतला कल हम आए, हमारे पास नहीं, मेरे भाई का मुझे कल परसों के दिन की बात है, नाइट के समय फोन आया कि लड़की मुझे ऐसा ऐसा बोल रही कि थाने माना ये आए यहाँ पे, तो उनने यहाँ से थाने से बता दिया, बोलते सुबह 11 बजे आना हमको। वो लड़की उसको धमकी दे रही थी, मैं तेरे को पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगी, ठीक है। तो हम उसके पहले हम वकील के पास गए, हमने हमारा वो क्या बोलते हैं वकील का कुछ बनवाया था, पड़ताल के लिए उन्होंने कोर्ट से हमको वो भी दिया, ठीक है मैडम ने। हमने 4-5 थाने में हमने पहले हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ आए, हमने यहाँ आने के पहले हमारे पास यहाँ से फोन आया कि आप यहाँ आ जाओ थाने पे, आपको वो लड़की बुला रही है, ठीक है यहाँ पे आ जाओ, फिर बातचीत करना है। तो हमने मेरे चाचा ने बोला कि वो अभी कोचिंग गया है, कोचिंग से पढ़ के फिर आएगा, मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है डिमांड सुनो, लेके आ जाऊंगा। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर फोन आता है, वो बोलते हैं कि वो लड़की बोल रही है अगर तुमने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी 376 तो मैं मर जाऊंगी। तो इन्हें हमारे को बोला हम डर के फिर नहीं आए। तो हमने उनसे बातचीत करी, तो बोलते कि उसकी डिमांड है कि 1.5 लाख रुपए चाहिए, पहले 3.5 लाख बोलते 1.5 लाख चाहिए। फिर हमने कहा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैम ये वो सब कुछ करा। फिर धीरे धीरे वो 1.5 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर 75 पे आए, फिर 60 पे आए, फिर 50 पे आए। हमारी तो गोरी मैम से बात हुई, गोरी से अलावा किसी मैडम ने कुछ बोला? एक और मैम इनसे बात की, पैसे दिए मैंने दिए 45,000 रूपए मेरे हाथ से नगद पैसे दिए, पेमेंट करा 500 का नोट अभी लाके दो। कितनी देर लगेगी मैडम ने ये भी बोला के बोले ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं चले जाऊंगी और आपका केस रुक जाएगा। और वो लड़के को कहते कब से ब्लैकमेल कर रहा, उसकी वीडियो हम उससे बोल भी रहे, एक बार उस बच्ची के सुनो तो सही, वो बोल भी रहा, वो खुद रोता बोल भी रहा है, मेरी एक बार मन की तो सुन लो। हमारे पास हर प्रूफ है, लड़की आगे रह के बोल रही है कि मेरे ब्रा के बटन खोलो, मेरे ऊपर सो, तो कौन का हमारे पास चेकिंग है, कौन लड़का आगे, कौन आगे रह के लड़का उसके साथ करेगा। लड़के ने कभी बताया नहीं कि मुझे इस तरह का ब्लैकमेल किया जा रहा है परिजन को, वो बहुत हमारी रिस्पेक्ट कर, ऐसी बात कोई करते ही नहीं। अगर उस वक्त खुल के हमसे अगर एक बार भी बोल देते ना मैंने ये हुआ मेरे साथ ये हुआ, तो उसका मन का बोझ हल्का हो जाता,
उसने ये तक नहीं बोल पाया वो। तो अभी क्या आप क्या मांग? हमारी मांग तो यही है कि जो तिवारी उनको सस्पेंड करो, उस लड़की को बुला, कार्रवाई अभी हाल हो, कार्रवाई बंद करेगा। आपका नाम बताइए। मेरा किला शाड़ा। यहाँ पे लड़कियों को सुने ना, अब हमारे तो भाई का है ना, हमारे भाई को फिजिकली हैरेसमेंट किया, झूठा केस में फंसाने के लिए वो लड़की उसको धमकी दे रही थी। हमने बोला यहाँ के कंप्लेंट करवानी चाहिए, नहीं सुनी। दूसरे दिन फिर आए तब भी नहीं सुनी। उससे बोला नहीं सुनना चाह रहे हो तो कम से कम देख लो उसकी गलती नहीं है। वो दिन भर रोता रहा, मेरी सुन लो, मेरी गलती नहीं है। किसी ने नहीं सुनी। पुलिस के पास आए तो वो बोल रही है कि हाँ महिला थाना सिर्फ महिला की सुनी जाएगी, जो चाहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला कि हमने कंप्लेंट की है पुलिस प्रोटेक्शन की, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने 45,000 रुपए भी लिए गए लिए। कल एक महिला पीड़िता जो है उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके फोटो एडिट करके और संबंधित जो व्यक्ति है उसके द्वारा पैसे ऐंठे जाते हैं। ये उसकी मेन शिकायत थी जो जांच में ली गई थी, और उसके बाद दोनों पक्षों को से सुनी गई थी बात, और उसके बाद वो बाहर जाके उन्होंने जो भी राजीनामा किया उसका एफिडेविट भी किया उन लोगों ने कि महिला द्वारा ये कहा गया बाद में कि मुझे कोई कार्रवाई इसमें नहीं चाहिए। ये हो चुका था। उसके बाद पता चला है कि रात में वो संबंधित जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी जांच जो है वो संबंधित थाने पे की जा रही है। उनमें परिजनों का ही आरोप है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो उनको दिक्कत देती है, इस कारण से ये हुआ, तो उसको जांच में लिया गया है। एक सप्ताह में उसकी जाँच करके हम रिपोर्ट दे देंगे, और अन्य जो कार्रवाई जो चाहते हैं वो संबंधित जो लड़की है उस पर उनका कहना है कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, तो वो मर्ग जांच के बाद जो भी होगा वो संबंधित थाना करेगा। परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाए मैम? परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाए? परिजनों का कहना है कि यहाँ शिकायत प्राप्त हुई है और वो लड़की उससे जो है वो पैसे मांग रही थी, और लड़की का कहना था कि फिजिकली वो जो अब्यूज कर रहा था प्लस फोटो एडिट करके वो मुझसे पैसे हट रहा था, ये उसकी शिकायत थी जिसको सुना गया था। समझौते के जो पैसे की बात सामने आ रही उसकी जांच चल रही है। यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि दोनों पक्षों को समझाया गया था, और लड़की द्वारा और लड़के के द्वारा बाहर कुछ समझौता करके एफिडेविट प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। उसमें सहमति पत्र जो यहाँ पर दिया गया था कि हम दोनों ने आपसी समझौता कर लिया है, सहमति पत्र है। वो एफिडेविट उनका बाहरी सेटलमेंट है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसने अभी ही शिकायत की है कल ही, जो की फोटो एडिट करके जो है वो लड़का उसे धमका रहा। क्या मतलब थाने के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज निकाल कर जांच की जाएगी किस तरीके से लड़के को यहाँ पर क्या प्रताड़ित किया गया? बिल्कुल, इसमें जो भी एविडेंस आते हैं, जो भी एविडेंस आते हैं इसमें शिकायत जांच में उसको लेकर जांच की जाएगी। ठीक है मैम, आपका नाम और मैं प्रियंका दुबे, एडिशनल डीसीपी WSB।